आप देख रहे हैं देश का नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। सजा है चर्चा का सबसे बड़ा दमदार मंच न्यूज 18 इंडिया चौपाल, जो जारी है। देश के चौपाल में अब बात होने वाली है गब्बर की, क्योंकि गब्बर आ चुका है, हमारे और आपके बीच ही है। अपना ये गब्बर गोलियों की नहीं, रनों की बौछार करता है, और ये रनों की बौछार तब तक होती है जब तक कि दुश्मन खिलाड़ी मैदान में चित नहीं हो जाते। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें टीम इंडिया के ओपनर, बाएं हाथ के बल्लेबाज शिखर धवन का। और इनसे खास बात मंच पर मैं बुलाना चाहूंगी मेरे सहयोगी अमृत आनंद को। अच्छा, मुझे पता है कि शिखर भाई आए हुए हैं, और शिखर भाई की एंट्री ऐसे नहीं हो सकती है। हमने देखा है कि कैसे ग्राउंड पर वो एंट्री करते हैं। शिखर भाई प्लीज एक बार वो सिग्नेचर स्टाइल जो मेरे दिल के करीब है, प्लीज। आप मेरी थाई पहले ही रेड करवाना चाहते हैं। अच्छा धन भाई, ये आया कहाँ से, ये स्टाइल आपने जो कैच किया कहाँ से किया? जब भी मैं कबड्डी देखता था तो जब रेडर पॉइंट लेके जाता था, थापी मारता था, तो मेरे को अच्छा लगता था। और मैंने पहले भी बोला कि थोड़ी मर्दों वाली बात है वो उसमें, और एग्रेसिव है एट द सेम टाइम, ऐसा कुछ नहीं कि किसी को चुभे भी, और वो तो मेरे को अच्छा लगता दिल से। तो मैंने वो अपना क्रिकेट में स्टार्ट करना शुरू कर दिया, और फिर वो सबको पसंद भी आ गया। अच्छा, ये आपने क्लीन सेव करा लिया है, वो मूछों वाला भी हमें देखना था। कई फैंस कहे थे कि शिखर पाजी जो मूछों वाला स्टाइल करते हैं और जो आंखें वो देखते हैं जब बॉलर की तरफ और दूसरे खिलाड़ियों की तरफ। हाँ जी, तो वो स्टाइल आप डेवलप करेंगे फिर से दाढ़ी? मुझे अभी तो मन नहीं है मेरा सच मूछे रखने का। अभी मेरे को ऐसा लगता है, मैं उम्र में भी बड़ा हो रहा हूँ तो मूछे दाढ़ी में और बड़ा लगता हूँ, तो मैं बड़ा थोड़ा क्लीन रहना पसंद हो गया मुझे अब। और उम्र के साथ बंदे को जवान दिखना ज़रूरी है। ओहो, देखिए। अच्छा ये बताइए, कैसी चल रही है आईपीएल की तैयारी? आईपीएल की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। अभी फिटनेस पे वर्क कर रहा हूँ, स्किल पे वर्क कर रहा हूँ, और विजुअलाइजेशन करता हूँ। आई सी माय सेल्फ परफॉर्मिंग गुड आउट देयर। इस साल क्या टारगेट लेके शिखर धवन मैदान पर उतरेंगे, क्या फोकस है आपका इस साल का? फोकस यही है कि पंजाब किंग्स को ट्रॉफी जिताई जाए, और एक अच्छा प्रोसेस, स्ट्रॉन्ग प्रोसेस, स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन के साथ जाएं, एंड एंजॉय करें जर्नी। फोकस ये है कि पॉइंट ए से खुशी खुशी चलें और पॉइंट बी तक खुशी खुशी पहुँचे, और क्रिएट अ अमेजिंग एनवायरनमेंट वेयर ऑल बॉयज आर वेरी हैप्पी बीइंग देमसेल्फ एंड परफॉर्मिंग देयर बेस्ट। एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें वो सब और निखर के आए एज अ लीडर, दैट्स मेरा वो रोल रहेगा। धवन भाई, एक सवाल हर कोई ये पूछना चाह रहा है कि टीम इंडिया सेमीफाइनल खेलती है, फाइनल पहुंचती है, लेकिन वहां जाकर हम चूक जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, बार बार हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? आई फील कि सेमीफाइनल में हम काफ़ी बारी हारे हैं, और फाइनल बड़े टाइम बाद पहुंचे थे। इस बारी तो जिस तरीके से इंडियन टीम खेल रही थी, तो 1% भी नहीं लगा था किसी को कि हम हार जाएंगे। एंड आई फील कि दिस टाइम जो विकेट थी वो थोड़ी स्लो थी, तो जो पहली इनिंग में विकेट खेली और दूसरी इनिंग में खेली, दोनों में फ़र्क था। विकेट पे जैसे जब धूप पड़ रही थी तो थोड़ी स्लो खेल रही थी, जब लाइट धूप गई और लाइटें पड़ी तो ठंडक से विकेट का भी थोड़ा नेचर चेंज हुआ। तो एंड ऑफ कोर्स हमारे उतने रन भी नहीं थे। आई डोंट फील कि इट वाज मोर ऑफ अ प्रेशर थिंग, एंड आई थिंक नेचर ऑफ द विकेट प्लेड दैट रोल। हमारी हार पर एक मुल्क ऐसा जो बहुत खुश होता है वो है पाकिस्तान। उसने ये कहा कि भैया इस बार मोहम्मद शमी जो गेंद से गेंद डाल रहे थे ना, उसके अंदर मशीन लगी हुई थी। हाँ जी। वो गेंद राइट लेफ्ट हम खुद से हिला रहे थे, बीसीसीआई ने पूरी सेटिंग की थी। अच्छा। ये सब बातें जब आप सुनते हैं तो क्या रिएक्शन आता है, क्या मन में ख्याल आता है? हंसी आती है और क्या आता है इसमें। इसमें आई फील कि देखिए, जब आप हार रहे हैं या जीत रहे हैं तो दूसरे पे उंगली उठाना आसान होता है, और रादर देन खुद पे देखें खुद को कैसे इम्प्रोवाइज करना है। वो जो एक
डीप इंसान होएगा, गहरा इंसान होएगा, वो खुद पे वर्क करने पे ज़्यादा ध्यान देगा और रादर देन पॉइंटिंग आउट कि ये हो गया वो हो गया, एक्सेप्ट करें कि खुद अच्छा नहीं हुआ, उसको कैसे इम्प्रूव करना है। तो आई फील कि वो उनके बोलने से जो अगर जो मजाक उड़ाने वाले लोग हैं वो मजाक उड़ाएंगे उस चीज़ का, जो समझदार इंसान है वो उससे उसकी सोच पकड़ लेगा कि उसकी सोच ही उतनी है बस, तो ये फ़र्क है। अच्छा, कोई ऐसा फनी एलिमेंट आपको याद हो जब आप खेल रहे थे पाकिस्तान के खिलाफ, तो इस तरह की कोई बातें आपके साथ, क्योंकि अमूमन होता है ना कि खिलाड़ी मैच के बाद मिलते हैं, बात करते हैं, तो इस तरह की कभी कोई बातचीत हुई आपकी? हाँ, बड़ी सारी बातें हुई हैं पाकिस्तान प्लेयर्स के साथ। हम देखे दोनों मुल्क सेम लैंग्वेज शेयर करते हैं, पंजाबी भी बोलते हैं वहाँ पे, हिंदी भी बोलते हैं, और दोस्ती भी हमारी। आई विल से कि भाई जिस वक्त इंडियन टीम कभी पाकिस्तान गई तो वहाँ पे जो खातिरदारी होती है वो बहुत अच्छी होती है, और नॉर्मल खुशी होती है उनसे मिलके, एक प्यार भी है, और ऑन द फील्ड जो हमारी एक टकरार है वो पूरी है। एंड आई फील एक स्पोर्ट्स एक ऐसा मीडियम है जिससे काफ़ी जनता जुड़ती है सारी। अच्छा, आपको कभी भी मैंने या फिर जितने फैंस हमारे यहाँ बैठे हुए हैं कभी भी गुस्से में नहीं देखा? आप आउट होके जा रहे हैं तब भी, आपसे कैच छूटा तब भी, आप सेंचुरी मारे तब भी, हमेशा आप हंसते रहते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है? मतलब ये कहाँ से ये हंसी निकालते हैं आप? ऐसा नहीं कि मुझे गुस्सा नहीं आता, मेरे को गुस्से को चैनलाइज करना आता है और उस एनर्जी को प्रोडक्टिविटी में बदलना आता है, और आई फील कि मेरे को दम लगता है उस इंसान में, या जो चीज़ मुझे अट्रैक्ट करती है वो ये है कि अगर कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट चल रहा है उसमें मैंने अपना कंपोजर बना के रखा है, कामनेस बना के रखी, तो आई फाइंड लॉट ऑफ स्ट्रेंथ इन दैट। गुस्सा करना, रिएक्ट करना मेरे लिए वो आसान चीज़ें हैं, तो मैं इसलिए जो दूसरा है वो अपनाता हूँ, और इसलिए आप मुझे हमेशा मोस्टली स्माइल करते हुए देखते हैं। एक कैसा भी सिचुएशन हो लाइफ में, अगर एक ग्रेसफुलनेस है इंसान में तो आई फाइंड लॉट ऑफ स्ट्रेंथ इन इट, एंड या दैट्स वाई आई प्रैक्टिस दोज थिंग्स। एंड कभी कभी ऐसा भी होता है गुस्सा भी करता हूँ, और आई फील कि एज अ लीडर आपको पता होना चाहिए कि कब थोड़ा फर्म होना है, कब थोड़ा प्यार देना है, तो एज अ लीडर उस वक्त उस रोल के लिए वो करना ज़रूरी है। अच्छा, आपको गुस्सा भी आता है लेकिन आप उसको जाहिर नहीं करते हैं, टीम इंडिया में कोई ऐसा खिलाड़ी जो बहुत गुस्सा करता हो? अब टीम इंडिया में 15-17 खिलाड़ी तो ऑफकोर्स कोई ना कोई होएगा, मैं नाम निकालूंगा नहीं उसमें लेकिन आपके लिए बट हाँ जी, हाँ देखिए 15 लोग हैं, 15 डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, सर एक हर एक का अपना नेचर है, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ द टीम। आपकी बॉन्डिंग टीम इंडिया में सबसे बेहतर किससे है? मेरी काफ़ी प्लेयर्स से बॉन्डिंग है, और काफ़ी विराट से है, रोहित से है, चहल से है, कुलदीप से है, शुभमन से है, काफ़ी प्लेयर्स है। पंत के साथ एक फोटो वायरल हो रही है। हाँ जी, पंत टीम इंडिया एक फोटो सेशन खिलाई हुई है लेकिन कुर्सी छोड़कर पंत आपकी गोदी में बैठे हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों, उसको प्यार आ रहा होगा तो बैठ गया गोदी में और ये तो लाइट मोमेंट्स होते हैं, अब आपकी गोदी में कोई आके बैठे तो आप ये बोलोगे ऐसा क्यों, तो फिर क्या होगा लकी, खैर मैं ये कह रहा था कि पंत से क्या आपकी बात हुई थी जब उनका एक्सीडेंट हुआ था, और अभी जिस तरह से पंत रिकवरी में चल रहे हैं, आप एक सीनियर प्लेयर हैं, बड़े भाई की तरह आप उनको, पंत आपको मानते भी हैं, क्या कोई पंत से आपकी बातचीत हुई, कोई सलाह, कोई मशवरा आपने पंत को दिया? हाँ जी, हाँ बिल्कुल बातचीत हुई थी पंत से, और पहले तो शुक्रिया अदा किया कि भाई भगवान का शुक्र है कि वो बच गया, इतने बड़े एक्सीडेंट से बच के आना भी अपने आप में बड़ी बात थी, और आई फील कि उसको इससे बहुत रियलाइजेशन आई होगी लाइफ में, एक ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स लाइफ, जहाँ इंसान भागा दौड़ी में रहता है काम के कि भाई ये अचीव करना है, स्पेशली एज अ यंगस्टर आप दौड़ में रहते हो ज़्यादा तेज़ की, यार मेरे को ये भी अचीव करना है, ये करना है, सारा कुछ करना है, बट ये जो उसका एक लाइफ का फेज आया होगा, आई एम श्योर उसका माइंड सेट काफ़ी बदल गया होगा, क्योंकि उसको इवन वो टॉयलेट करने के लिए भी नहीं उठ सकता था, तो उसको उस लेवल से लेके वापस हर चीज़ की अहमियत आना वो अपने आप में बहुत बड़ी रियलाइजेशन है, एंड आई एम श्योर कि ही इज़ अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। मैं कभी भी उससे मिला उसकी रिकवरी में, मैं हॉस्पिटल था मुंबई में, तो वहाँ पे जब मैं मिला तो ही वॉज ऑलवेज वेरी पॉजिटिव, एंड जिस तरीके से उसने ये साल बिताया
ऑफ कोर्स कोई फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट्स भी आएंगे, बट आउट ऑफ 10 आई फील दैट 8 टाइम्स ही इज़ वेरी पॉजिटिव एंड ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड एंड एट द सेम टाइम वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर हिज प्रेजेंट. अभी जैसे उसका इंटरव्यू भी आया तो उसमें वो बता रहा था यार कि कितना ग्रेटफुल है कि एक सुप्रीम पावर है जिसकी वजह से वो आ गया वापस बच गया. एंड आई फील कि आई एम श्योर उस यहाँ से उसकी एक जर्नी, दैट्स माय टेक की दुआ है, मैं लेवल दुआ भी है. आई वुड से माय प्रेडिक्शन दैट ही विल गो वेरी लॉन्ग वे. ओके शिखर भाई, आप खाली समय में क्या करते हो? खाली समय में किस तरह से टाइम पास करते हो? सोशल मीडिया पे तो अपने वीडियो देखते रहते हैं आप. हाँ जी हाँ जी, वो गब्बर वाला भी आपका डायलॉग दिखता है. खाली समय में मैं काफ़ी कुछ करता हूँ. मेरे को हॉबीज़ बहुत सारी है मेरी, तो हॉबीज़ होना बहुत ज़रूरी है. आई एंजॉय रीडिंग बुक, मैं सिंगिंग प्रैक्टिस करता हूँ. मेरे को पोइट्री पसंद है तो पोइट्री सुन लेता हूँ. एंड आई एंजॉय स्पेंडिंग टाइम विद माई सेल्फ एज वेल एंड विद माई फ्रेंड्स एज वेल. सिंगिंग की बात की तो मैं एक रिक्वेस्ट बस आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने आपका एक वीडियो देखा है जिसमें आप बांसुरी बजा रहे हैं. हाँ जी. और हमने भी एक बांसुरी अरेंज किया, मैंने वहाँ देखी है, वहाँ पे हमने कोने में बांसुरी रखी है. मैं बजाऊंगा नहीं अभी. नहीं नहीं, वो पीछे हमने छुपा कर रखी हुई है, प्लीज. हाँ जी. नहीं, मैंने बांसुरी काफी टाइम से बजाई नहीं, और आई डोंट नो ये मेरी एक 10 सेकंड के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लंबा टाइम के लिए रही, मेरे को देखना पड़ेगा. प्लीज 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 प्लीज. आपको साल देने पड़ते हैं, तो अभी आई एम एंजॉयिंग द जर्नी. आई फील कि सिंगिंग ऐसा माध्यम है जो जिससे मेरी मेडिटेशन भी हो जाती है, तो मेरी मेडिटेशन भी को भी मैं उसी में काउंट करता हूँ. कोई भी ऐसी चीज़ जिसके साथ आप एक हो जाएं, कोई भी एक्टिविटी, तो वो ज़रूर करनी चाहिए. जैसे अब क्रिकेट खेलता हूँ तो क्रिकेट मेरा पैशन है. क्रिकेट के साथ भी जब मैं बैटिंग करूँ तो मेरा बैट और मैं एक हो जाते हैं, एंड वी गेट इन टू दैट फ्लो कि 50,000 बंदा भी बैठा, 25,000 बंदा भी, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता. हम एक अपने फ्लो में, जोन में, मेडिटेटिव जोन में चले जाते हैं. तो प्रोफेशन के साथ लेकिन प्रेशर भी बड़ा आता है, क्योंकि परफॉर्मेंस का प्रेशर है, लेकिन हॉबी के साथ आपके साथ परफॉर्मेंस का प्रेशर नहीं रहता. तो आप अपने शौक के लिए करते हो, शौक से आप उस मेडिटेटिव जोन में जाते हैं, तो दैट मेक्स यू वेरी वेरी लाइट इन लाइफ. धन भाई, एक पोस्ट आपने किया था अपने बेटे के लिए, वो क्या था और क्या उसके बाद कोई बातचीत हो पाई? क्योंकि देखिए, सॉरी ये बहुत पर्सनल मैटर आपका, लेकिन फिर भी ये हम जानना चाह रहे हैं कि आप उसके बाद भी बातचीत हो पाई, क्योंकि आप वो पोस्ट ही था जैसे हमने बताया. नहीं, मेरी बात नहीं हुई मेरे बेटे से, बट जैसे मैंने उस पोस्ट में लिखा कि भाई मैं टेलीपैथी करता हूँ, तो कभी भी अब जैसे मैं सिंगिंग प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं ध्यान में चला गया, तो जब मेरे को एक मननेस फील होती है तो मैं उस वक्त फिर उससे बात करता हूँ और उससे उसका हालचाल पूछ लेता हूँ, बातें कर लेता हूँ नॉर्मल, कि जैसे आई होप कि वो उसको फाइटिंग में है, वो तो फाइटिंग अच्छी चल रही है, उसके स्कूल अच्छे चल रहे हैं. एज अ फादर यही रहता है कि भाई सेहत अच्छी है मेरे बच्चे की, और खुश है तो खुश है. एंड आई फील दिस सिचुएशन इन माय लाइफ टॉट मी कि हाउ टू बी स्टिल पॉजिटिव. कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें आपको ऐसा लगे यार कि दिक्कत आ रही है, या तो उसमें एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर लाई कर रही होती है कि आप उसको अपनी स्ट्रेंथ कैसे बना सकते हैं. तो आई टर्न ऑल द सिचुएशंस इनटू अ स्ट्रेंथ फॉर माई सेल्फ एंड पॉजिटिव उसको ले जाता हूँ, और आई एम हैप्पी वेयर एवर ही इज़. एंड कभी आएगा तो आएगा, तब बात अगर हुई तो हुई, नहीं हुई तो भी कोई बात नहीं. और आई एम हैप्पी दैट ही मस्ट बी हैप्पी देयर, ही मस्ट बी हेल्दी. एंड यही मेरी एक फादर या एक एज अ ह्यूमन बींग यही मैं ब्लेसिंग कर सकता हूँ.
आप अपने बैड पैच से मूव ऑन कर चुके हैं पूरा का पूरा? आई डोंट काउंट एज अ बैड पैच, आई डोंट सी एज इट इट्स अ बैड थिंग बिकॉज़ इट हैज मेड मी वेरी वेरी स्ट्रांग. यस, एंड इट्स अ सिचुएशन. नाउ यू कैन नेम इट एज अ बैड पैच, यू कैन नेम इट एज अ प्रॉब्लम, दैट्स इंडिविजुअल चॉइस. आई डोंट कॉल इट अ प्रॉब्लम और अ बैड पैच, इट्स जस्ट अ सिचुएशन. एंड एज आई से दैट, एज आई सेड कि मैं उसमें पॉजिटिव आउटलुक ढूंढता हूँ कि भाई क्या पॉजिटिव है, क्योंकि अगर आज मैं उदास हो गया, सैड हो गया, तो मेरा कल भी उदासी में ही आएगा. वो तुम नहीं तो चाहूंगा. वो मैं चाहूँगा नहीं. और मैं कहीं पे आ रहा हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं खूब खुशियाँ लाऊँ, खूब हंसी लाऊँ, और तो उसके लिए मेरे को खुद पॉजिटिव और स्ट्रांग होना जरूरी है. अच्छा दन भाई, आपके बेस्ट फ्रेंड रोहित शर्मा है, मतलब हम, क्योंकि ये हमें पता है, हम कवर करते हैं आप दोनों को, रोहित भाई से ही बात होती है तो खूब सारी बातें बताते हैं आपके बारे में. ये जब आप दोनों ओपनिंग करने जाते थे, ओपनिंग जाने से पहले आपका बाथरूम जाना, ये रोहित भाई को आज तक समझ में नहीं आया, क्यों करते थे ऐसा? उनके साथ बाथरूम जाना, यार ये तो नेचर कॉल है. तो इसलिए, क्योंकि देखो प्रेशर आता है, तो अब प्रेशर रिलीज करने के अपने अपने तरीके होते हैं. और मेरा होता है कि टॉयलेट जाके जो जो थोड़ा बहुत है वो भी निकाल दो, ताकि बाद में वापस ना जाना पड़े. अच्छा, तो ये आखिरी में ये बोलना चाहूंगा, अपने फैंस को धवन क्या बोलना चाहेंगे, अपने फैंस को क्या बोलना चाहेंगे, क्या इस आईपीएल से अपकमिंग सीरीज में किस तरह से धवन अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं, जो फैंस चाहते हैं कि धवन का जो ये अंदाज है ना, वो ग्राउंड पर नजर आए ब्लू जर्सी में? जी तो बिल्कुल आएगा ग्राउंड पे नजर, और आप लोग मुझे जरूर खेलते हुए देखेंगे एंड परफॉर्म करते हुए भी देखेंगे. और या आई एम गोना हैव लॉट ऑफ फन आउट देयर ऑन द फील्ड. यस, और एक गाना आपसे हम सुनना चाहते हैं. एक गाना नहीं सुनाऊंगा मैं, मेरे को पता था आप भी जरूर रिक्वेस्ट करेंगे. एक और चीज मैंने सीखी है, ना बोलना. ये आपने ना गलत टाइम पे सीख लिया. तो मैं आप लोगों के लिए, आप सब बैठे हैं यहाँ पे, तो एक वैसे शेर बोल देता हूँ. प्लीज, वक्त भी आ गया, मैम खड़ी होगी वहां पे, हम समझ गए आपका इशारा. तो है कि आप खुशबू हैं, गुलाबों की चीज है, आप खुशबू हैं, गुलाबों की चीज है, नींदों की और ख्वाबों की चीज है. आपका शुक्रिया, आप हकीकत में आए, आप तो किस्सों और किताबों की चीज है. थैंक यू मैम, हम जा रहे हैं आप प्लीज. काफी लोग ने यहाँ पे प्रोटेस्ट भी किया, पीसफुल प्रोटेस्ट भी किया, लेकिन किसी की भी तरफ से कमिश्नर भी आए, एडिशनल सीपी साहब भी आए, लेकिन हम लोग ने सबको रिक्वेस्ट किया कि सर आप 41A का कंप्लायंस कर दीजिए. सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है, रूलिंग है, जो ट्रांसिट एंटीसिपेटरी बेल 15 डेज का हम लोग को मिलता है, हम लोग वो लेके कंप्लाई करेंगे. तो अब ये जानना बहुत